सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कैलाश त्यार साढ़े चैनल से रूबरू हुए हैं देश दुनिया के माने जाने डॉक्टर डॉक्टर नरेश ग्रोवर, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं ते कई हज़ार बच्चों की जिंदगी बचा चुके हैं ते कई बच्चे जिहड़े मौत ते जिंदगी लड़दे आए हैं उन्हां दी इह नवीं जिंदगी दे के अपना नाम भी रोशन कर चुके हैं। तो वह बच्चे अज उस घर दे विच किलकारियां जरूर गूंज रही हैं जो कि इन्हां को एक उम्मीद लैके आए हैं। तो वह अज साडे रूबरू होए हैं, उन्हां को एक आपां कुछ संदेश लवांगे ते गलबात करदे हैं डॉक्टर साहब नाल। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। सब तो पहले तो मैं अपना लाइव भारत चैनल के जिहड़े दर्शक ने उन्हां सारयां नूं प्यार भरी नमस्कार। तो मैं अपने 74वें जिहड़ा अपना स्वतंत्रता दिवस है उहदी बहुत बहुत वधाई दिंदा। तो मैं सारे जिहड़े पेरेंट्स ने उन्हां नूं हिदायत देंगा, रिक्वेस्ट करांगा कि अपने बच्चों की सही तरीके नाल परवरिश करो। उन्हां नूं जिहड़ा जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चिप्स है, कुरकुरे है, पिज्जे है, इदां दीआं चीज़ां दी हैबिट तो दूर रखो। उन्हां नूं एक लिमिटेड तरीके नाल उन्हां नूं टीवी या मोबाइल की वरतों करन दिओ, क्योंकि इन्हां चीज़ां नाल बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स असीं नोटिस कर रहे हैं अजकल। तो जिहड़ी भी बच्चों की वैक्सीन ऑलरेडी कोई चल रही है रैगूलर पेंडिंग हो गई सी कोविड करके, उन्हां नूं सब तो पहले कंप्लीट करो। जदों कोविड की वैक्सीन आ जाएगी वह भी जल्दी तो जल्दी बच्चों नूं लगवाओ ता कि आपां सारे जिहड़े हैं कोविड के प्रकोप तो बच सकीए। तो आने वाली जिहड़ी थर्ड वेव हैगी है जिहदे बारे बहुत ज़्यादा टिप्पणियां हो रही ने उहदे तो बचे रहिए। तो बच्चे जिहड़े कि कुछ हुण लॉकडाउन दे विच स्कूल दी स्टडी करके या हैबिचुअल ज़्यादा हो गए आ फोन नूं लै के, तो उहदे विच पेरेंट्स नूं किन्ना कु रोल निभाना चाहिए बच्चे लिए अपने? देखो, पेरेंट्स नूं बच्चों नूं कल्ले नहीं छड़ना चाहिए, उन्हां दे नाल कोई ना कोई गेम खेलो, उन्हां दे नाल कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। जे तुसीं उन्हां लई टाइम नहीं कढ़ोगे तो फिर तो वो अपने आप ही टीवी या मोबाइल के मगर ही लगे रहेंगे। और बच्चों नूं इन्नी इंडिपेंडेंस ना दिओ कि वह अपने आप फोन करके जिहड़े फूड्स ने, जंक फूड्स ने, पिज्जे ने या होर चीज़ां ने, जिस तरह के ऐप्स है जोमैटो या कोई भी, उन्होंने तो अपने आप जिहड़े चीज़ा मंगा के बच्चे खाना शुरू कर देंगे है। तो उन्होंने फालतू पैसे ना दो, ही उन्होंने हैबिट जिहड़ी है ठीक दूर होएगी। तो उन्होंने अच्छा अच्छा खाना जिहड़ा ना अपने हाथों नाल टेस्टी खाना खवाओ जिहड़ा कि हैल्दी हो। तो बच्चों जिस तरह की जंक फूड की गल करिए, कुछ बच्चे मिट्टी स्लेटी या चॉकलेट वाल काफ़ी अट्रैक्ट होंगे हैं, कि इन्हों बच्चों में कुछ पर्टिकुलर विटामिन की कमी होंगी जिस करके बच्चे ज़्यादा इस वाल अट्रैक्ट होंगे हैं? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे तुसीं। जिहड़ा जंक फूड है वह बने इस तरीके नाल हुंदा है कि जदों एक वारी वह बच्चे खाण पीण लग जाते हैं उन्होंने उहदे वाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है, टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। और जदों इहदी असीं आदत पा दिंदे आ लाड प्यार दे नाल, खासकर कई बार मैं देखदा जिहड़े पेरेंट्स है वह चाहते बच्चा जंक फूड ना खावे, लेकिन जिहड़े ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादी दादा ने या होर घर दे फैमिली मैंबर ने, उन्होंने लाड़ प्यार दे करके उन्होंने यह चीज़ा लिया के दे देंगे ने। इन मैं बहुत ज़्यादा जिहड़ा इनू रोकन की जरूरत है, सारी जिहड़े फैमिली मैंबरस है उन्होंने ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे इस तरह दी चीज़ा बिल्कुल जिहड़ियां घट तो घट दित्तियां जान। तो एक बार असी रोज़ उसकी हैबिट पा दें या हफ्ते तीन चार बार देना शुरू कर दें तो वह बच्चे का टेस्ट डिवेलप हो जाता, फिर वह बगैर रेंदे नहीं तो वह मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जिहड़ा अच्छा फूड है वो जिहड़ा हैल्दी फूड है वह नहीं खाते तो उन्हां च विटामिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, तो होर जिहड़ियां कब्ज़ वर्गियां बीमारियां लग जांदियां ने। सो बहुत ज़्यादा जिहड़ियां दिक्कतां आउंदियां ने असीं रोज़ अपने क्लीनिक देखते हैं, इस तरह दियां बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। तो इस तों जिहड़ा बचण दा यही तरीका है कि सावधान रहो, ठीक है, तो सतर्क रहो। दूसरा सर, जिस तरह कि बच्चों के विटामिन की कमी आ जाती है या जंक फूड करके भी होर भी डेफिशिएंसी बॉडी दे आ जाती है, वो क्योरेबल हैगी है? तो कि बच्चों अपना मेडिसिन थ्रू या बच्चों होर किसी तरीके उन्हां दी आदत छुड़ाई जा सकती है? देखो, ये सारी फैमिली का सहयोग चाहिए होंदा सानू। जदों भी साढ़े को इस तरह का कोई पेशेंट आता है, बच्चा आता है, असं टेस्ट भी करते हैं, देखते हैं उस कि चीज़ों की कमी है, विटामिन आयरन वगैरह, उन्होंने असं डेफिनेटली अच्छे टॉनिक्स आते हैं वह दे के पूरा करते हैं। तो वो जी संतुलित आहार या टेस्टी फूड जरा कि साढ़े डायटिशियन प्लान कर देंगे ने उद तो वो लैके हिदायत उस तरीके दिता जाता है ता कि जी बुरी आदत है जंक फूड खाने की, वो तो छुटकारा पाया जा सके।
ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜੰਕ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।